सनरूफ का सबसे बड़ा फायदा ना ये है जब बारिश होती है कि आप ऐसे बाहर आपके ड्रॉप्स पड़े हैं, मतलब इसके ग्लास पे, ये फायदा बस छोटी है इसमें, तो बस ये फायदा है। तो इससे क्या है कि पूरी की पूरी सिक्योरिटी भी, गाड़ी की सेफ्टी नॉट सिक्योरिटी वो भी कम होती है। मुझे काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि मैं एक सनरूफ के ऊपर वीडियो प्रॉपर बनाऊं, क्योंकि पीछे मैंने अभी बनाया वीडियो तो उसमें थोड़ा सा इंक्लूड किया था, तो काफ़ी लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज करके भी DM करके कहा कि मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊँ। तो चलो आज इसी के बारे में बात करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लो, और लाइक बटन भी प्रेस करो, कमेंट भी ज़रूर करना। देखो मैं कितनी तेज़ धूप में खड़ा हुआ हूँ, है ना। इस तेज़ धूप में अब सनरूफ ओपन करता हूँ तो क्या होगा, इतनी तेज़ धूप अंदर आएगी। इसका इंडिया में कोई फ़ायदा है? देखो हर जगह धूप ही धूप, इंडिया में कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का, तो इसलिए इंडिया के हिसाब से तो बिल्कुल बेकार है। सर्दियों में चलो फिर भी ठीक है, अदरवाइज़ सनरूफ का क्या फ़ायदा। सनरूफ है ना, उसमें आपका क्या है, मटेरियल भी तो ग्लास यूज़ हो रहा है, तो ग्लास इज़ ग्लास, ग्लास आपको कोई स्ट्रेंथ तो देगा नहीं, तो उससे आपकी जो गाड़ी है उसकी स्ट्रेंथ कम ही होएगी। अब जो ये मैंने आपको जैसे दिखाया था ऊपर, अगर इसको ओपन करते हैं तो अब ये देखो ना, ग्लास ही तो है, और ये कोई ग्लास इतना टफ़ जितना मर्ज़ी हो पर ग्लास तो ग्लास ही है, तो टूटेगा तो सही। अगर बाई चांस कभी, भगवान ना करे, कभी आपका एक्सीडेंट हो या मेरा हो, किसी का भी हो, अगर सनरूफ है तो इधर से ही खतरे की बात है। और जो आजकल नई गाड़ियाँ आ रही है ना, जैसे ग्रैंड विटारा बहुत पॉपुलर हुई, मैं भी लेने लगा था पहले, वो तो बहुत पॉपुलर हुई, मगर उसका जो मटेरियल है वो बहुत हल्का है, एंड जो बड़ी सनरूफ की वजह से और उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है। तो जैसे अब वरना है, इसमें तो छोटा ग्लास है ऊपर, थोड़ा सा ही है सिर्फ आगे वाली तरफ ही, बारिश वगैरह में इट लुक्स गुड, बट अदरवाइज़ तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। गर्मी ज़्यादा होती है, और जब इस तरह से है तो जो बाकी मटेरियल है ऊपर वाला, जैसे कि ये वाला है, ये वाला ना, नॉट दिए, ये वाला और बाकी पूरी गाड़ी में, तो ये इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है और इसकी कम है, तो ये नेगेटिव है, तो इसलिए भी सनरूफ अच्छी नहीं है जैसे मैंने आपको बताया। और गर्मी तो खैर इससे ज़्यादा आती अंदर। मैं ट्रैफिक में बैठा हूँ, ये ट्रैफिक हो रखा है, अब अगर इसमें मैं सनरूफ खोलूँगा तो मेरा क्या हाल होगा, आप खुद ही सोचो। ऊपर जो सनरूफ है इसको मैं खोल दूँ ना तो इतनी गर्मी लगेगी, कितना बुरा हाल होगा। ये बाकी वीडियो का बड़ा फ़नी सा एंगल हो गया, क्योंकि कार में थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, तो वैसे अब इसलिए इसमें चलाना, मतलब ओपन करना बहुत डिफ़िकल्ट काम है। और वैसे भी देखो तो फ़ायदा क्या है, जो गर्मी लगेगी वो अलग है इसको ओपन करने से, इसलिए बंद ही ठीक है, कोई फ़ायदा दिखता हो तब तो बात भी है। सनरूफ के पता क्या क्या नुकसान होते हैं, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जैसे मैं चलो इसको ओपन करता हूँ, उसके बाद आता सनरूफ का ना सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये ग्लास है, ठीक है। ग्लास की वजह से क्या है, गाड़ी की स्ट्रेंथ जो है वो ऑटोमेटिकली ही कम हो जाती है, क्योंकि जब अगर बाय चांस कभी एक्सीडेंट हो और गाड़ी रोल ओवर होएगी तो ग्लास एरिया जो है ना वो नीचे लगेगा, और इसको शैटर होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर हम सोचें ना ये शैटर प्रूफ 100% है, तो ग्लास होने की वजह से ऐसा नहीं है, 100% शैटर प्रूफ ये हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। ये हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा। मैं गाड़ी स्टार्ट कर लूँ, गर्मी भी हो रही है, तो हमें ये सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, शैटर प्रूफ ये 100% नहीं है। उसके बाद में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जो अगर बाय चांस कभी आपके कार में, आपके सनरूफ में कुछ इशू हो जाता है, तो इसमें लीकिंग होने का ना, पानी लीक होने का भी जो है चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस। तो ऊपर से पानी वैसे भी टाइम के साथ में जो है लीक होना स्टार्ट हो जाता है, और उसकी वजह से आपके कार का जो इंटीरियर है, जैसे वाइट कार है, मतलब इंटीरियर वाइट है, तो ये सारा ब्लैक होने, ब्राउन होने में टाइम नहीं लगेगा अगर बाई चांस कभी लीक होती है। तो दिस इज़ द वन ऑफ द रीजंस कि सनरूफ का एज सच कोई फ़ायदा नहीं है। और विद टाइम ना क्या होता है कि सनरूफ में से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है इसको ओपन क्लोज करने की वजह से। जैसे ये है ना, अब मैं इसको एक सेकेंड, ये मैंने ओपन करी है, तो विद टाइम ना इसमें आवाज़ आने लगती है। और वैसे भी ऐसे ओपन करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि बाहर से आपको क्या वो मतलब मिलेगा, ऐसे हाथ आप बाहर कर नहीं सकते, ठीक है, आप अंदर इसमें मतलब क्या करोगे आप, आई डोंट थिंक कि इसकी कोई ज़रूरत है। और लोग, कई लोग ना इसमें खड़े हो जाते हैं, तो वो तो वैसे भी डेंजरस काम है, वो तो करना भी नहीं चाहिए।
लोग अपने बच्चों को इसमें खड़े होने देते हैं, बात कर मतलब घूमने देते हैं, तो वो वैसे ही बहुत डेंजरस है, तो वो चीज़ करनी नहीं चाहिए। मैंने कई लोगों को देखा है कि बच्चे ऐसे खड़े हो जाएंगे, लड़के लड़कियां भी ऐसे खड़े हो जाते हैं और घूमते हुए, तो वो डेंजरस है। कभी कार पे ब्रेक लगेगी और ज़ोर से हो तो इवन डेथ भी हो सकती है। ऐसे काफ़ी सारे केसेस हैं, आप गूगल करके देख सकते हो। तो ये भी एक रीज़न है कि सनरूफ का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छी ज़रूर लगती है, ऐसे खोल के रखेंगे ऊपर से ऐसे नज़र आएगा स्काई, बारिश हो रही है जो भी है, बट सच उसका क्या वो है। वैसे आप बाहर देख लो ना, इस तरह से यहाँ से ऐसे देख लो, तो उसमें क्या है, वो कर लो। सनरूफ कोई ज़रूरी चीज़ थोड़ी ना। और गाड़ी की स्ट्रेंथ पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। गाड़ी की स्ट्रेंथ जैसे मैंने आपको बताया, अब ये तो हार्ड है सब चीज़ें, नॉट ये ऊपर जो रूफ़ है ना, ये तो हार्ड है। एंड उसके वजह से क्या है कि गाड़ी में स्ट्रेंथ बनी रहती है, बट जैसे पीछे ये मतलब ऊपर सीलिंग कह लो, रूफ़ सॉरी नॉट सीलिंग, कार की रूफ़, वो तो स्ट्रॉन्ग है, बट ये चीज़ थोड़ी ना स्ट्रॉन्ग है। वैसे आसपास भी ग्लास है, वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बट ये एक इसको और प्रॉब्लम देती है। अब साइड पे तो ग्लास है ही ना, तो उस पे से आप बाहर देखिए, ऊपर ज़रूरी है देखना। तो ये मगर आजकल जैसे डिमांड हो रही है लोगों की, तो छोटी कार्स में भी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग पंच जैसी कार्स में भी सनरूफ आने लगा है। एक और चीज़ है जो सनरूफ का इशू है, वो है वेट। ये विदाउट एनी रीज़न गाड़ी में वेट बढ़ाता है, और इस वेट की वजह से क्या है, गाड़ी की स्टेबिलिटी में फ़र्क पड़ता है। तो जब गाड़ी की इसमें ज़रूरत ही नहीं है, तो विदाउट एनी रीज़न इसमें वेट क्यों बढ़ाना है। एक चीज़ और है जो सनरूफ का दिक्कत ही कहोगे, वो ये है कि इसका रनिंग कॉस्ट भी हो गया। आपको इसका एक और चीज़ है जो आपको रिपेयर कभी ना कभी करानी पड़ सकती है। सनरूफ का मैकेनिज्म ही ऐसा है, जैसे मैं आपको बता ही रहा हूँ कि इंडिया में इस तरह का वेदर है ही नहीं कि उसमें सनरूफ जैसी कोई चीज़ की जगह है, क्योंकि इसमें गर्मी इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। सर्दी में चलो थोड़ी बहुत धूप आएगी, अदरवाइज हमेशा ऐसे धूप जो है सूरज आपको दिखाई देता रहेगा, तो इसका क्या फ़ायदा हुआ। पर एक बात तो माननी पड़ेगी, सनरूफ जो होती है सुंदर बहुत लगती है, और स्पेशली जब पैनारोमिक वाली होती है ना, जो प्रॉपर जो बड़े वाली होती है पूरी ओपन होती है, वो सुंदर तो बहुत लगती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ना कोई शक है। अब मुझे भी अच्छी तो लग रही है ये, बट वो कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखो इसमें जो है वो साइड में से अगर हम देखें, है ना, ऐसे ऊपर से नज़र आ रहा है सब कुछ, लाइक पेड़ वेड़ जो है सब नज़र आ रहे हैं, पर उसका वो है और तो कोई वो नहीं है। देखो कि थार जैसी कार जो है, जो थार 3 डोर है, उसके जो रूफ है वो फाइबर की बनी है, वो प्रॉपर शीट नहीं है, मतलब मेटल शीट नहीं है, वो भी कुछ टाइम में लीक होने लगती है। और जब आप इससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिसमें इतने सारे ये पेचेस और ये सब लगे हुए हैं, और इसका मैकेनिज्म ही है खुलने वाला, तो इससे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये आपके लाइक कभी लीक नहीं होगी। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ये चीज़ है। और कभी कभी क्या होता है, इसको जब बंद करो ना, तो ये प्रॉपर बननी होती है। अगर ये ऐसे यहाँ से प्रॉपर बनना हो ना, यहाँ से भी और आगे से भी, तो इसमें लीकेज के तो वैसे ही दिक्कत बढ़ जाती है। तो कई बार ये मेरे साथ भी हुआ है कि इसको बंद किया और प्रॉपर बन नहीं हुआ, तो इसलिए इसको बंद ही ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये बंद ही ठीक है, हम बिना सनरूफ के रह लेंगे। बहुत सुंदर चीज़ है ना वो, यह ये वाला ये ऐसे ग्लाइडर टाइप का गाड़ी में लगा के बहुत सुंदर लगता है। सोलर पावर्ड है, सोलर एनर्जी से ही चलता है, रात को नहीं चलता, सिर्फ दिन में ही चलता है, बट ये लगता बहुत सुंदर है, तो आई सिंपली लव इट। अगर आपको भी लगाना है ना एक, इस पर परफ्यूम भी डलता है, तो मगर परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग टाइप नहीं है, अदरवाइज़ तो बढ़िया आप हाँ मतलब यूज़ कर सकते हो लॉन्ग लास्टिंग वाला, इस पर तो कोई नहीं है। बाकी एक ये चीज़ है, इसका लिंक मैं नीचे डालूंगा, अगर आपको परचेज करना है तो आप कर सकते हो। एक बात बताओ यार कि जब हम गाड़ी लेते हैं उसका सनरूफ होता है, तो उसकी वजह से गाड़ी की माइलेज पे भी फ़र्क पड़ता है क्या, या फिर ज़्यादा फ्यूल या डीजल लगता है? हाँ बिल्कुल, जो सनरूफ होती है ना उसका वेट होता है ज़्यादा, उसकी वजह से गाड़ी जो होती है उसको चलने में फिर फ्यूल तो चाहिए ही है, उसकी वजह से वेट की वजह से फ्यूल की कंजप्शन भी ज़्यादा हो जाती है। तो ये वन ऑफ द रीजंस है कि सनरूफ एटलीस्ट इंडिया में अच्छा नहीं है, बिकॉज जैसे मैंने पहले बताया कि उसमें तो पहले ही हमारे यहाँ इतनी गर्मी है, उसको खोलने का फ़ायदा नहीं है, और स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है गाड़ी की, लीकेज वगैरह की प्रॉब्लम, जो बाकी चीज़ें मैंने बताई है। और दूसरा, हमारे यहाँ पे पेट्रोल डीजल पहले ही इतना महंगा है,
तो उसकी वजह से हमारी उसकी खपत भी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये भी एक रीज़न है कि सनरूफ का कोई फ़ायदा नहीं है। बट सनरूफ इज़ बेस्ट, एस्थेटिक है और कुछ नहीं है।